मैं पहुंच चुका हूं इटरना मंदिर पे, और आप आसपास की जगह मेरी देख सकते हैं। ये पूरा ग्राउंड है और इसके पीछे देख सकते हैं आप, बहुत बढ़िया व्यू आ रहा है यहाँ से मंदिर, और भी पहाड़ हैं, और अभी कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो और मैं अभी बता दूं आपको कि ये जो जगह है, ये भोजपुर एक जगह पड़ती है, वहाँ से ये ऊपर के लिए 15 किलोमीटर ऊपर है, और अभी बीच बीच में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो इस वजह से थोड़ा उस वहाँ पे आपको ऐसा मिल सकता है, थोड़े पैच कम मिल सकते हैं। और अभी मेरे पीछे देख लिए, ये रहा मंदिर, बता दूँ ये है मंदिर, और ये बहुत बड़ा मंदिर है। सामने यहाँ पे ये छोटा सा पाउंड सा बना रखा है ये, और ये देखिए गाइस क्या बेहतरीन व्यू आ रहा है। तो गाइस अब मैं चलते हैं अंदर, और जूते वगैरह उतारते हैं फिर चलते हैं अंदर। तो चलिए चलते हैं अंदर। तो भाई चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर, और अभी हम चल रहे हैं अंदर मंदिर के। ये माँ चामुंडा देवी मंदिर इटरना। कुछ उसका वो बताया हुआ है। तो मैं ज़्यादा अंदर जाऊँगा नहीं, यहीं से आपको दिखाता हूँ। चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्या बेहतरीन, और देखिए पूरा ही बहुत बढ़िया। ये वाला श्री नीलकंठ महादेव जी का द्वार, और वो नागराजा मंदिर। तो पहले आगे चलते हैं फिर यहाँ वापस आते हैं, शायद हवन वगैरह का कुछ यहाँ। और देखिए हम मंदिर में ही हैं, अभी चलते हैं नीलकंठ बाबा जी के दरबार पे। सो गाइस अब यहाँ ये कुछ रखा है शायद, यहाँ आगे भी कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। लीजिए ये पूरा सब बैठने का है। यार है नहीं कोई, ये देखिए गाइस क्या बेहतरीन व्यू।
गाइस मंदिर हम घूम चुके हैं और यहाँ तो धूप है, लेकिन जो जहाँ से हमें जाना है वहाँ अब थोड़ा ठंडा हो चुका होगा, तो अब हम निकलते हैं घर की तरफ। सो गाइस आपको पहले यहाँ आने के लिए जैसे कि आपको पता है मैं डोईवाला में था, तो डोईवाला से आपको पहले भानीवाला रेंज आना भानीवाला आना पड़ेगा। भानीवाला के बाद थानो रेंज, वहाँ से थानो रेंज से आपको इटरना के लिए रास्ता मिल जाएगा। थोड़ा दूर है, 15 या 16 किलोमीटर है भोजपुर से, बट थोड़ा रास्ता आपको ऐसा भी लग सकता है कि शायद यहाँ ना हो, और जब आप आएंगे मोस्ट प्रोबेबली डेवलप्ड हो चुका होगा और थोड़ा रश भी होगा। ये वैसे तो लोकेशन ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं, जो लोकल के हैं केवल वही जानते हैं। तो चलिए, आपने देख ही लिया है अब, तो मस्ट विज़िट, यहाँ ज़रूर आइए और बहुत अच्छा है, आप देख ही सकते हैं मेरे पीछे। तो चलिए फिर चलते हैं घर की तरफ़।